की पूजा, बाबा महाकाल की पूजा, विशेष पूजा की जा रही है। महाकाल मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। यह भी बता दी गई कि गर्भगृह में लाई गई है श्री राम की मूर्ति, विशेष पूजा अर्चना आज महाकाल मंदिर में बाबा की नगरी में हो रही है। भगवान शिव श्री राम के आराध्य, श्री राम भगवान शिव के आराध्य, तो ऐसे में महाकाल इस खास मौके पर कितने प्रसन्न होंगे, कितना हर्ष उनके हृदय में होगा, ये शिव भक्त और राम भक्त सभी भली भांति समझ सकते हैं। और बाबा महाकाल जो कि उज्जैन में वास करते हैं, उज्जैन के राजा, अयोध्या के राजा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कितने हर्षित होंगे, कितने प्रफुल्लित होंगे, जब आज उनकी ये विशेष पूजा इस विषय में, जब उनके सामने उनके भक्त ये संदेश लेकर पहुंचे कि अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको आज सजाया जाएगा बाबा, तो कितने प्रफुल्लित, कितने हर्षित बाबा महाकाल हुए होंगे, ये भी अंदाजा उनके भक्त सहज लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ क्योंकि स्वभाव के भोले हैं, और ऐसे में उनका आज का जो ये विशेष पूजा है बहुत मायने रखता है, और आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बाबा महाकाल को विशेष रूप से सजाया गया है। और चलिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र भदौरिया इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी लेंगे सहयोगी। सबसे पहले शैलेंद्र चौहान का रुख कर लेते हैं, भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आखिर राजधानी में कितना उत्साह लोगों में आज है, आज के इस बड़े दिन को लेकर के, चूंकि पूरी तरह से राममय सब कुछ नजर आ रहा है, भोपाल भी राममय नजर आ रहा है, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, क्या कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान, सब तस्वीरें दिखाइए और बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल, जहां देश पूरा राममय है, प्रदेश राममय है, तो राजधानी भोपाल भी राम के रंग में रंगी हुई है। और यहां पर मंदिरों में लगातार देर रात से अनुष्ठान चल रहे थे। हम जहां खड़े ये कर्फ्यू माता यहां पर चौक है, राम भगवान का मंदिर है, और ये आपको पीछे प्रतिकृति भी दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ पर एक बड़ा एक प्रतिकृति बनाई गई है, जो राम मंदिर जो उसी के मॉड्यूल है पूरा। तो यहाँ पर रात को मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव भी आए थे, और वो यहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके। यहाँ रात में सुंदरकांड पाठ भी होता रहा, इसके अलावा भजनों का दौर भी चलता रहा। तो यहाँ पर अल सुबह तक ये सारा दौर भजनों का चला, और अब उसके बाद अब कुछ देर बाद ही यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर एक भजन मंडलियाँ होगी, और लगातार यहाँ पर जो राम अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो अब कुछ देर में और बनने लगेगा। हम आपको दिखाते हैं, ये वो मंदिर भी है जहाँ पर अब धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूजा करते हुए पुजारी भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो भक्त हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर वापस से एक बार फिर से भजन और कीर्तन का दौर शुरू होगा। आपको देखिए मंदिर में घंटे घड़ियाल की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कुछ ही समय बाद यहाँ पर भजन का शुरू होंगे, इसके अलावा पूजन कीर्तन शुरू होगा, राम मंदिर में पूजा अर्चना होगी। तो सभी तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और आपको याद जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आग्रह किया था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने आसपास के मंदिरों में पूजा करें, हवन करें, और भगवान श्री राम लला के आगमन का उत्सव मनाएं, वही उत्सव और जगह भी मनाया जा रहा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, सुशील कौशिक ओरछा से जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र बघेल